मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के बाद देहरादून वापस आकर प्रेस वार्ता की है। मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता दर्शन हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने चार धाम आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की कि वो कोविड गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए चार धाम के लिए जारी की एसओपी का पूरा पालन करें। देखिए इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता दर्शन हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, चार धाम आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि कोविड गाइडलाइन का पालन करें। यात्रा पर निकलने से पहले अपने सभी जरूरी दस्तावेज और कोविड 19 नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को साथ जरूर लाएं। यात्रा सुचारू रूप से चलेगी और हमारा मत है कि यहाँ आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु का विशेष रूप से हमारी सरकार, हमारा शासन प्रशासन सभी लोग मिलकर जैसे अतिथि आते हैं उस प्रकार का हम लोग उनके साथ व्यवहार हो, इसको सुनिश्चित किया जा रहा है और अच्छी व्यवस्था हो और सारे जो कोरोना के जो प्रोटोकॉल हैं उनका भी पालन किया जाए। हम सभी से अपील करते हैं कि वो इस प्रकार से पहले जब उनकी यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हो जाए, सारा अपना सेटलमेंट हो जाए, उसके बाद ही यात्रा में निकले, अन्यथा दुविधा हो रही है तो उस दुविधा को दूर करने के लिए जो भी जरूरी इंतजाम है हम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केदारनाथ धाम के लिए 409 करोड़ रुपए के कार्य प्रस्तावित हैं, जिनमें 225 करोड़ रुपए के कार्य पूरे हो गए हैं, जबकि फेज दो में 114 करोड़ का कार्य निर्माणाधीन है। इसी तरह बद्रीनाथ धाम के लिए 245 करोड़ रुपए के कार्य प्रस्तावित हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण के लिए 708 करोड़ रुपए के कार्य प्रस्तावित हैं, जिन पर काम किया जा रहा है। अभी तक लगभग कुल मिलाकर 409 करोड़ रुपए का कार्य प्रस्तावित और चल रहे हैं दोनों मिलाकर, जिसमें 225 करोड़ का वन का जो काम वो पूरा हो गया है और फेज टू का निर्माणाधीन जो है 114 करोड़ है। फेज टू में सुविधा प्रक्रिया चल रही है और 70 करोड़ की है। इसी प्रकार से बद्रीनाथ में फेज वन में 245 करोड़ ये स्वीकृत धनराशि है। गंगोत्री यमुनोत्री सब मिलाकर जो निविदाएं निकली हैं अभी तक, जब से ये नई सरकार काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की 2017 के बाद, 708 करोड़ रुपए इन चारों धामों में प्रस्तावित हैं और काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायालय ने चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए प्रतिदिन निर्धारित सीमा को हटा दिया है। सरकार का प्रयास है कि यात्रा भी चलती रहे और यात्रियों की सुरक्षा भी रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा को लेकर जो भी दिक्कतें हैं उन्हें जल्द दूर किया जाएगा।